तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? वेलकम टू द वाटर एक्सपर्ट चैनल। और जो आज मैं आरओ देखने आया हूँ, ये आरओ है, एक लिव प्योर का आरओ है। और इसमें जो प्रॉब्लम बताई मुझे कस्टमर ने, वो ये बताई कि इसमें भाई पानी बहुत स्लो आ रहा है। तो चलो चेक करते हैं। ऊपर से सबसे पहले दो कनेक्टर होते हैं प्लास्टिक के, वो हटा लीजिए। नीचे दो स्क्रूज़ हैं, वो आराम से खोल लीजिए। स्क्रूज़ जो खुल जाएँ उसके बाद ये ढक्कन को हटाना है। और यहाँ पर एक वायर लगी होती है, कनेक्टिंग वायर, इसको हटा देंगे। अब हम पंप का पाइप निकाल के चेक करते हैं पानी का प्रेशर पहले कैसा आ रहा है पंप तक जो इनपुट जा रहा है। तो भाई प्रेशर तो काम नहीं आ रहा, यानी सॉल्वेनेट वाल्व, यानी जो पंप को पानी दे रहा है उससे पीछे जाते हैं। इस पाइप को अपनी जगह वापस कनेक्ट कर लेते हैं। अब जो SV को इनपुट आ रहा है यानी सेडिमेंट से, एक बार वहाँ पर प्रेशर चेक कर लेते हैं पानी का कैसा है। तो ये पाइप हटा के एक बार पहले प्रेशर देख लेते हैं पंप में डालने से पहले। और इसका प्रेशर भी भाई धीरे ही आ रहा है, यानी इसका मतलब है कि सेडिमेंट फिल्टर जो है वो चोक हो रहा है, सेडिमेंट फिल्टर से ही पानी आगे नहीं जा रहा है। तो फिर पंप कैसे प्रेशर जनरेट करेगा? एक बार सारे पाइपिंग हटा के मेन पाइप से पानी का प्रेशर देख लेते हैं जो डायरेक्ट सेडिमेंट में जा रही है। देखिए यहाँ पे प्रेशर बहुत अच्छा है। अब जो डायरेक्ट वाला जो पानी है, मतलब सेडिमेंट में नहीं लगाना उस पाइप को, डायरेक्ट हम पंप के अंदर इनपुट दे के देखेंगे। ये कार्बन फिल्टर हटा लिया मैंने, और अब जो डायरेक्ट पानी है मैंने SV में डाला, राइट। और अब मैं इस SV वाले पानी को लेकर के अब प्रेशर देखता हूँ कैसा दे रहा है। SV यानी ठीक है, मेरी SV भी चेक कर ली। अब मैं इसको पंप में इनबिल्ट कर देता हूँ। अब पंप से जो पानी का प्रेशर आ रहा है उसको चेक कर लेते हैं कैसा आ रहा है। कार्बन से निकाल के सीधा हम मेम्ब्रेन में लगा लेते हैं, और कार्बन में फ्लो दिया और मेम्ब्रेन से बाहर आएगा। अभी प्योर वाटर का पता लग जाएगा मुझे कि स्पीड कैसी है या नहीं है। तो ये लगा दिया है मैंने यहाँ पे, और अब इधर चेक करते हैं प्योर वाटर की स्पीड। तो प्योर वाटर की जो स्पीड है वो बहुत स्लो है, क्लैरिटी से आप लोगों को दिख नहीं पा रही होगी कैमरे में, बट स्पीड जो है वो स्लो है। तो जो, हाँ ये देखिए, अब आपको पानी दिख रहा होगा हल्का हल्का, तो स्पीड इतनी इफेक्टिव नहीं है। वेस्ट वाटर तो निकले जा रहा है, इसका मतलब जो है कि इसके जो फिल्टर्स हैं वो चोक्ड हो गए हैं, यानी मेम्ब्रेन। और जो इसके अलावा हमारा सेडिमेंट तो चोक था ही था, कार्बन और मेम्ब्रेन फिल्टर, क्योंकि कार्बन और सेडिमेंट काफ़ी टाइम से इन कस्टमर ने चेंज नहीं कराए हैं। और रॉ वाटर का TDS यहाँ पे लगभग 350 के आसपास आ रहा है रॉ वाटर का TDS। प्योर वाटर का TDS ठीक तो आ रहा था लेकिन फ्लो नहीं आ रहा था। तो अभी हम इसके फिल्टर रिप्लेस कर लेते हैं। इन फिल्टरों का लिंक मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, सेडिमेंट कार्बन और मेम्ब्रेन का। आप अमेजोन से ऑर्डर करके मंगा सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। लीव प्योर के अलावा दूसरी ब्रांड के फिल्टर भी अगर आप इसमें लगाना चाहें तो लग सकते हैं, कोई भी इशू नहीं आता है। तो अभी इसके कनेक्टर हटा दिए हैं, और अब इसका इनपुट और आउटपुट देख करके हमें कनेक्शन लगाने होते हैं। तो ये सेडिमेंट फिट कर लिया है मैंने, ये सेडिमेंट का मैंने इनपुट दे दिया, और जो सॉल्वेनेट वॉल्व में जाएगा इसका पाइप, जो इसका आउट पाइप है वो SV के अंदर जाएगा। ये इनपुट लगा और ये आउटपुट लग गया, ये फिट हो गया मेरा सेडिमेंट फिल्टर। इसी तरीके से मैं कार्बन फिल्टर को भी फिट कर लेता हूँ। बहुत ही सिंपल है यार, आप लोग आराम से खुद भी इसको रिप्लेस कर सकते हो। अगर आप थोड़ा सा, मतलब ध्यान से एक बार जैसे हटाओगे वैसे ही आप खोल के लगाओगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। बट हाँ, स्टेप बाय स्टेप चेक करना बहुत ज़रूरी होता है कि ब्लॉकेज कहाँ पर है, वो नहीं पता लग पाती है तो फिर प्रॉब्लम होती है। तो जैसे हमें यहाँ पता लगे कि सेडिमेंट तो बिल्कुल ही ख़त्म था, यहाँ पर गया हुआ था। तो अभी मैंने कार्बन फिल्टर को भी दे दिया। तो जो SV से इनपुट हुआ, मतलब सेडिमेंट से आउटपुट जो कि SV में इनपुट हुआ, और SV का जो हमारा आउट निकला वो पंप में गया, और पंप का जो इनपुट था वो हमारा कार्बन में गया। अब कार्बन से जो आउट निकलेगा वो जाएगा हमारी मेम्ब्रेन में। तो मेम्ब्रेन भाई टाई वाई से बंधी हुई है, एक बार हटा लेते हैं यहाँ से, खोल लेते हैं इसको ढंग से। और ये मेम्ब्रेन मैंने निकाली, और ये पाइप यहाँ पे दिया है, टाई फंसी हुई है भी मेम्ब्रेन में, थोड़ा सा टाइम ले लिया, टाई काट लेते हैं इसकी।
तो ये टाई वाई कटिंग करने के बाद यहाँ से मेम्ब्रेन को हमें निकालना पड़ेगा, और मेम्ब्रेन के साथ में ये अटैच्ड है हमारा यूएफ फिल्टर। तो ये पाइप्स निकाल लिए मैंने इसके सारे, और पोस्ट कर लिए दो फिल्टर इसके साथ अटैच्ड है हमारे। यूएफ फिल्टर फंसा हुआ है टाई के जरिए, इसकी भी टाई काटनी पड़ेगी। ये निकाल लिया मैंने यूएफ फिल्टर, और ये मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन को मैं साइड में रखता हूँ और नई मेम्ब्रेन निकालता हूँ, और नई मेम्ब्रेन लगा देते हैं इसके अंदर, और ये फिटिंग करते हैं। पहले यहाँ लगा लेंगे तो बेटर रहेगी। मैंने फिक्स कर दी यहाँ पे, इसमें मैंने FR का कनेक्शन दे दिया रिजेक्ट वाला, और एक प्योर वाटर का जाएगा, ठीक है। और ये सिंपली है, बहुत ही इनपुट दे दिया है हमने, और ये हमारा पोस्ट कार्बन है, लास्ट स्टेज जो है मेरी पोस्ट कार्बन है। मेम्ब्रेन से जो पानी आएगा पहले यूएफ में जाएगा, फिर यूएफ का जो पानी है वो हमारा पोस्ट कार्बन में जाएगा। 4 इंची का पोस्ट कार्बन यूज़ किया जाता है इसमें, और बेसिकली ये आर ओ यूवी वाला मॉडल नहीं है, ये यूवी नहीं है इसके अंदर। अब मैंने ऑन किया इसको, अब ऑन करने के बाद देखते हैं फ्लो का क्या फ़र्क पड़ता है, और ये प्रेशर देखते हैं। एक इसमें कस्टमर ने डिमांड की कि आप एक प्री फिल्टर भी लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे मिट्टी वगैरह थोड़ी पानी में ज़्यादा रहती है। तो हमने एक प्री फिल्टर भी, अच्छी कंपनी है जो प्योरेसिस का, वो यूज़ कर रहे हैं। एक अच्छे प्री फिल्टर का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जिसको आप बाइंग कर सकते हैं अगर आपको सही लगता है तो। और यहाँ पर ये टेफ्लॉन लगा लेते हैं, क्योंकि लीकेज का इशू रह जाता है अदरवाइज़ इसकी एल्बो में। और मेरा फ्लो भी मीनवाइल आ चुका है प्योर वाटर का। ये प्री फिल्टर की कैंडल है, कैंडल लगाते हैं इसके अंदर, और ऊपर से इसका लिड लगा के एक ये रिंग लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिंग अगर गलत लगी या नहीं लगी तो लीकेज डेफिनेटली आएगी ही आएगी, तो इसको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। बाकी प्योरेसिस का बाउल सेट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। लीकेज की मेरे को आज तक, मतलब अगर मैंने 100 बाउल सेट इसके लगाए हैं, तो मुश्किल से 2 या 3 बाउल सेट के अंदर कोई लीकेज इशू आया होगा, अदरवाइज कहीं भी नहीं आया। तो मतलब डिफेक्ट रेट बहुत कम है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी मुझे। तो इसके ड्रिलिंग वगैरह मेजरमेंट लेके कर लेते हैं, और उसके बाद इसको माउंट कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल है, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बस हाँ इसका इनपुट और आउटपुट सही होना चाहिए। जहाँ इनपुट है वहीं इनपुट कनेक्शन होना चाहिए पाइप का, अदरवाइज कैंडल उल्टी तरीके से काम करना शुरू कर देती है। तो ये ड्रिलिंग कर लेते हैं यहाँ पे फटाफट से। ज़्यादा डीप ड्रिलिंग की ज़रूरत भी नहीं होती, क्योंकि वेट होता नहीं। तो बाउल मैंने माउंट कर दिया है, और इस तरफ ये लिप प्योर का हमारा हो गया। अब इसमें भाई एक और प्रॉब्लम है कि इस RO में TDS कंट्रोलर नहीं है, तो हम TDS कंट्रोलर भी लगा लेते हैं इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे TDS जो है वो 300 350 ही आ रहा है रॉ वाटर का, और प्योर वाटर ज़ाहिर सी बात है 30-40 आएगा, जो बॉडी को नुकसान देगा। आइडियली 80 से 150 मैं रेकमेंड करता हूँ कि TDS होना चाहिए बॉडी को, मतलब पीने के लिए। वैसे तो हम 300 भी पी सकते हैं, सच कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो डिपेंड करता है कि हमारी लाइफस्टाइल कैसी है, ठीक है। तो बट अगर आप RO का पानी पी रहे हैं, तो आप 80 से 150 के बीच में अपने TDS को सेट करिए। और ये फिल्टर से मैंने कनेक्शन दिए हैं, ठीक है। TDS के लिए कनेक्शन बहुत सिंपल होते हैं। उसमें क्या करना होता है, जो कार्बन से आउट निकलेगा वहाँ पे आपको टी स्प्लिट करनी पड़ेगी, जैसा मैंने कर दिया। एक पॉइंट हमारा मेम्ब्रेन में चला जाता है, और दूसरा पॉइंट हमारा कंट्रोलर में चला जाएगा, और कंट्रोलर से फिर जो आउट निकलेगा वो फिर एक टी लगेगी, राइट। और उस 2 टी में से 1 टी तो जाएगी प्योर वाटर के साथ कनेक्ट होकर, और दूसरी जो जाएगी मेम्ब्रेन के इनपुट वाले वाटर में, यानी जो प्योर वाटर के अंदर। तो राइट, बहुत ही सिंपल है, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं। और यहाँ से अब हम कनेक्ट करते हैं, और ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, कोई ज़्यादा हार्ड साइंस नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। आप इजीली खुद भी इसको फिट कर सकते हैं। और TDS कंट्रोलर मतलब कौन सा लेना चाहिए, मैं जो यूज़ करता हूँ प्रो लाइफ कंपनी का यूज़ करता हूँ, अच्छा है। मतलब इतनी जल्दी रिज़ल्ट फ्लक्चुएट नहीं होते, क्योंकि एक लोकल आते हैं मार्केट में, वो क्या होते हैं थोड़े टाइम बाद फ्लक्चुएट हो जाते हैं। ये प्रो लाइफ का बेटर है, ये फ्लक्चुएट नहीं होता। अगर अमेज़ॉन पे होगा तो मैं इसका लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा सर्च करके। और इसके बाद ये फिर सिंपली यहाँ कनेक्ट किया,
और ये बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा बड़ा इसके अंदर गेम नहीं है लगाने में। ऐसी फिट कर दी मैंने एल्बो यहाँ पे, और इसके बाद थोड़ा सा पाइप को क्या होता है ध्यान देना पड़ता है, लॉक्ड वगैरह अच्छे से लगाओ, अदरवाइज क्या होता है लीकेजेस का इशू आता है, और लीकेज का इशू आता है तो भाई बाद में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और यार थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का, क्योंकि मतलब आप सभी लोगों ने भाई मुझे बहुत प्यार दिया है, वाटर एक्सपर्ट चैनल को बहुत प्यार दिया है, आपकी वजह से आज ये चैनल यहाँ तक पहुँच पाया है। हालाँकि मैं काफ़ी टाइम से वीडियोज़ नहीं लेके आ पा रहा था, बट मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए आप किस टाइप के वीडियोज़ और देखना चाहते हैं, किस टाइप की नॉलेज आप लोग वाटर प्योरीफायर से रिलेटेड चाहते हैं, तो वो सारी जो भी नॉलेज मेरे पास है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और वो सारे टॉपिक्स पर वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। तो फ्रेंड्स ये हो गया है हमारा ऑलमोस्ट, तो बाकी इसके अंदर कुछ खास है नहीं, एक बार ये पाइप लगा देते हैं जो TDS का आ रहा है, यहाँ पे T मैंने लगा दी है राइट, और ये कनेक्ट कर ली है मैंने लास्ट स्टेज में यानी पोस्ट कार्बन में। तो पोस्ट कार्बन में दो जगह से पानी लगेगा, एक तो जो TDS कंट्रोलर से आ रहा है और एक जो मेम्ब्रेन के प्योर से आ रहा है, ये दोनों पानी बेसिकली ब्लैंड होकर टैंक में जाते हैं जिसकी वजह से TDS बढ़ जाता है। तो अब देखिए पानी का फ्लो, क्यों बहुत ज़्यादा TDS खुला हुआ है तो थोड़ा कम कर लेते हैं, अरे बस भाई तो बढ़ता ही जा रहा है, इसको कम कर लेते हैं थोड़ा सा, ये खुल गया एक्चुअली टाइट होने की जगह पे राइट, इसको हम खोल के कम कर लेते हैं थोड़ा सा। जब इसे आप क्लॉकवाइज घुमाएंगे ना तो ये क्या होता है कम हो जाता है TDS, और जब आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये TDS बढ़ जाता है। तो अभी TDS चेक कर लेते हैं इनका, एक अच्छा TDS मीटर के लिए भी मैं लिंक दे दूंगा यार, ये लोकल जो TDS मीटर आते हैं ना 250-300 रुपए वाले, ये मत लो, इससे अच्छा एक HM कंपनी का ले लो, वो बेटर रहता है, और वही मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लोकल वाले का कोई बेनिफिट नहीं होता है, क्योंकि लोकल वाले जो होते हैं वो एक दो महीने में फिर प्रॉब्लम क्रिएट करने लगते हैं। तो TDS एक बार सेट कर लेते हैं, TDS सेटिंग में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, तो भाई TDS हमारा सेट हो गया और अब हम इसका कवर लगा देते हैं, और बाकी इसके अंदर कुछ है नहीं, जितनी भी जानकारी थी मैंने आप लोगों को पूरी प्रोवाइड करा दी। अगर आप कुछ भी इससे रिलेटेड कन्फ्यूजन है तो आप नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या हमारी वेबसाइट से हमारे नंबर पे कांटेक्ट करके हमारी टीम से बात कर सकते हैं। तो बाकी इसके अंदर कोई और इशू है नहीं, लिड जब लगाते हो तो थोड़ा सावधानी देनी पड़ती है क्योंकि इसका जो फ्लोट है ऊपर वो टेढ़ा हो गया तो ओवरफ्लो का इशू आ जाता है, तो वो एक ध्यान से लगाना पड़ता है जब ढक्कन लगाते हैं, और टैप की पूरी फिटिंग देनी पड़ती है, उसके बाद दो ऊपर क्लिप्स लग जाती हैं और नीचे दो स्क्रू टाइट हो जाते हैं। और ये RO ऑन कर दिया हम लोगों ने, अब RO ऑन किया है तो देखिए यहाँ लाइट्स शो कर रही हैं, तो ये RO प्लस UF मॉडल है, ग्लिट्स मॉडल है यू लिव प्योर का। तो आई होप दोस्तों आपको मज़ा आ रहा होगा वीडियो में, और मज़ा आ रहा है तो भाई वीडियोज़ को ऐसे ही प्यार शेयर करके, लाइक शेयर करके, सब्सक्राइब करके बढ़ाते रहिए। फिर मिलेंगे कुछ अच्छे वीडियोस में, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।